अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं आज का तड़का। आज के तड़के में जो है बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ बनने वाली हैं। आज हम सर्दी के मुताबिक फ़िश जो है उसका सालन, मछली का सालन जो है वो तैयार कर रहे हैं। और हमारे पास जो है रूह अफ़ज़ा है, रूह अफ़ज़ा से जो है ना बहुत ही मज़ेदार एक डेज़र्ट बना रहे हैं जिसके अंदर कस्टर्ड और सेब का इस्तेमाल होगा, जो हेल्दी होगा और आपको इसका बहुत ही फ़ायदा होगा। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आज की दोनों रेसिपीज़ आपको पसंद आएगी। आज बुध का दिन है, हमारे साथ होते हैं हर्बलिस्ट शाह नज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक भाई, कैसे हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। और एक मसला बहुत ही तेज़ी के साथ बढ़ता जा रहा है, रोज़ बरोज़ इसमें इजाफा हो रहा है और पाकिस्तान में तो ज़्यादा हो रहा है, दुनिया भर में भी हो रहा है, लेकिन ये कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा तेज़ी से यंग एज में, दरमियानी एज में, थोड़े से बूढ़े जो होते हैं लोग उनमें ये होता जा रहा है तेज़ी के साथ इजाफा। क्या वजूहात हैं ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। वो है डायबिटिक यानी कि शुगर, तो उसके ऊपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसलिए कि बहुत ज़्यादा कॉल्स हैं आप लोगों की, तो मैं चाह रहा हूँ कि हम इसके ऊपर जो है ना कोई ऐसी चीज़ आप लोगों को बताएं ताकि आपको सपोर्ट मिल सके डायबिटिक में। जी जी गुलजार भैया, जो जिस तरीके से लाइफस्टाइल तब्दील हुआ है, और एक तो बीसीआर खोरी है यानी ज़्यादा खाना पीना करना और उसमें चलना फिरना कम हो, और दूसरा स्ट्रेस लेवल हाई होता है लोगों का, टेंशन डिप्रेशन हर चीज़ को लेके अपने ऊपर हैवी कर देना, पैसे हैं तब भी डिप्रेशन में, मैंने देखा है लोगों को पैसे हैं तब भी डिप्रेशन में है, नहीं है तब भी डिप्रेशन में है। पता नहीं अल्लाह रहम करे, पाकिस्तान में लोग इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेवल जो है ना बढ़ता जा रहा है और उसी वजह से जो है ये डायबिटिक। जी बिल्कुल, वॉक ना होने की वजह से वेट गेन होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से भी स्ट्रेस लेवल हाई होता है, ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और बाज़ औक़ात जब ब्लड प्रेशर और शुगर की जिनको हो जाती है वो अपना ख्याल नहीं रखते, अपनी दवाएं वक्त पे नहीं खाते, अपना शुगर टेस्ट नहीं करते और एक ही दवा पे अपने आप को चला रहे होते हैं। जब बाद में पता चलता है कि अंदर के ऑर्गन्स जो हैं वो ख़राब हो गए हैं, कमज़ोर होते गए, तो इसलिए डायबिटिक पेशेंट को चाहिए कि कम से कम महीने में, डेढ़ महीने में एक बार अपने आप को अपने फिजिशियन को ज़रूर दिखाया करें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। और दूसरा अपना शुगर जो है हफ्ते में एक बार जरूर, कम से कम अगर चेक भी करें तो हफ्ते में एक बार तो ज़रूर चेक करें, और अगर ज़्यादा चेक करते हैं तो हर दो तीन दिन के बाद चेक किया करें, ताकि उसका बैलेंस आपको पता चले कि इस वक्त आपकी शुगर कितनी हो रही है। और छः महीने में एक दफ़ा टेस्ट ज़रूर करवा लें, खुदारा टेस्ट, उसमें लिपिड प्रोफाइल, फास्टिंग आपकी, और इसके अलावा ये सारी चीज़ें, और क्रिएटिनिन वगैरह का टेस्ट लाजमी करवा लें, यूरिक एसिड का, ये सारी चीज़ें शुगर पेशेंट को अगर आप मॉनिटर करते रहेंगे इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आप बहुत बड़ी बड़ी जो बीमारियां हैं ना, जैसे डायलिसिस है और भी बहुत सारे मसले मसाइल हैं, उनसे बच जाएंगे आप। ठीक है, ये अंदाजे से ज़िंदगी गुजारना बिल्कुल ठीक नहीं है। अक्सर लोग अंदाजे से ज़िंदगी, ठीक है यार हमारा तो इतना रहता है, कोई शुगर कोई मसला नहीं है, ये इतना रहता है या उतना रहता है, उससे क्या होता है कि आपके अंदर से जो है ना ऑर्गन्स डिस्टर्ब होते हैं, जिसमें आपकी किडनी सबसे पहले डिस्टर्ब हो जाती है, जिगर आपका ख़राब होना शुरू हो जाता है, फेफड़े में प्रॉब्लम आ जाना शुरू हो जाती है, पानी भर जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आँखों पे असर आता है, आँखों पे असर आता है, दांत आपके जो है ना वो खराब हो जाते हैं, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, ये तमाम चीज़ें, लोअर बॉडी में कमर से नीचे वाला हिस्सा जो है ना वीक होना शुरू हो जाता है, चलने फिरने में लागरपन आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो इसमें बाज़ लोगों का वज़न गिर रहा होता है, बाज़ का वज़न बढ़ रहा होता है, दोनों, हाँ दोनों सूरत दो अलग अलग टाइप की चीज़ें, बाज़ के औकात ऐसा होता है कि जब शुगर बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन रहती है, आप मेडिकेशन भी ले रहे होते हैं लेकिन आपकी समझ में नहीं आ रहा होता कि मेरी शुगर क्यों बढ़ रही है, तो आप फिर अपनी ग़िज़ाओं पर तवज्जो दें, आप कोशिश करें ये जो गंदम का आटा है ये इस्तेमाल ना करें, आप बाजरे का आटा इस्तेमाल करें, और दूसरा अपनी ज़िंदगी में वॉक को एक हिस्सा बना लें, चरा फिरा करें। और इसमें यह है कि जब ये चीज़ें आपके अंदरूनी ऑर्गन्स को जब ख़त्म करेंगे तो आपको हर किस्म की कमज़ोरी होगी, चाहे वो जिंसी हो, जिस्मानी हो, आसाबी हो, पट्ठों की कमज़ोरी हो, हाथ पांव सुन होने लग जाते हैं, जब हाथ पांव सुन होते हैं तो चप्पल निकल जाती है, पांव से पता नहीं चलता। हाँ। और फिर उसके बाद उसमें जख्म बनने शुरू होते हैं, फिर भी पता नहीं चलता। फिर एक दिन आता है कि खत्म हो जाता है ना, जी बिल्कुल, उसमें एहसासियत नहीं होती है। फिर एक दिन ऐसा आता है कि जब वो जख्म बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है तो फिर वो काटना पड़ जाता है। तो इसलिए अपने आप को माजूर होने से, अपने आप को तकलीफ़ में रहने से,
बचाइए, अपना ख्याल रखिए। एक शुगर होती है विरासत से, ख़ानदानी होती है, जैसे वालदेन में है, तो ऐसे लोगों को चाहिए हर 6 महीने बाद अपना शुगर ज़रूर टेस्ट करवाया करें, बेशक ना हो लेकिन फिर भी चेक करवाया करें, क्योंकि विरासत वाली भी आ जाती है। अगर आपके अचानक आपके जिस्म मोटा होना शुरू हो रहा है, आपका वेट बढ़ना शुरू हो गया है, तो ऐसे लोगों को तो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली जाकर फौरन मुंह खुश्क हो रहा होता है, मुंह खुश्क हो रहा, प्यास ज़्यादा लग रही है, तो ऐसे लोगों को चाहिए फौरन जो है ना टेस्ट ज़रूर करवा लें। और ये हम कोई आपको डरा नहीं रहे कि यार ये हो जाएगा, वो बेसिकली जो चीज़ें हो हकीकत में हो जाती हैं लोगों के साथ बेपरवाही करने की वजह से, छुप छुप के जो है ना मीठा खाना हलवे और जो गुलाब जामुन और ये सारी चीज़ें छुप छुप के खाना, तो वो अल्लाह तो देख रहा है और आपकी बीमारी जो है वो भी मॉनिटर कर रही है, घर वालों से छुपा के आप खा लेंगे तो क्या? ऐसे मौके पे दिल चाहता खाने, दिल चाहता है खाने, जिस चीज़ से मना किया जाए वो चीज़ इंसान ज़रूर जो है ना वो खा रहा है। जिनका शुगर बॉर्डर लाइन पे रहता है, अक्सर कहते हैं यार मुझे शुगर डायग्नोस तो हुई है लेकिन बॉर्डर लाइन पे है, वो सिर्फ एहतियात करें, मेडिकेशन यूज़ ना करें, एहतियात करें, अपने आप को मीठा वगैरह बंद कर दें, वॉक करें, आस्ते आस्ते ये खुद भी कवर हो जाती है। और जब आपका देखें आप अपना शुगर HbA1c आप करवाते हैं 6.2 इसकी बॉर्डर लाइन कहलाती है, इसके बाद जो है वो शुगर की मेडिकेशन लेनी पड़ जाती है। तो जब भी आप कोई भी दवा लें खुद से ना लें, आप अपने मॉलेज को दिखा के अपना शुगर टेस्ट करवाएं, उसी हिसाब से जो आपको मॉलेज आपका डॉक्टर आपको सजेस्ट करके देगा वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो अंदरूनी ऑर्गन्स को नुकसान नहीं पहुंचाता। सही बात है। आज हम आपको रेमेडी कुछ बता रहे हैं लेकिन एक डॉक्टर के ऊपर तकिया ना कीजिएगा, हमेशा सेकंड ओपिनियन ज़रूर ले लीजिएगा। इससे ये होता है कि आपको पता है डॉक्टर्स बहुत जदीद किस्म के मेडिसिन अब आ गई हैं मार्केट के अंदर, तो आपको बहुत अच्छा डॉक्टर या जदीद किस्म की मेडिसिन जो है वो आपको दे सकता है, जिसको थोड़ी सी मेडिसिन से आपकी शुगर जो है ना कंट्रोल हो सकती है। और डॉक्टर्स के अंदर ये आदत होती है कि वो बहुत सारे मेडिकल उसमें जो है ना आपके इंसुलिन हो गया या दवाइयाँ हो गई मुख्तलिफ किस्म की टाइमिंग में चेंज करके दे रहे होते हैं, उससे भी जो है ना आपका जो शुगर लेवल है किसी का सुबह में ज़्यादा होता है किसी का रात में ज़्यादा होता है, ठीक है, ये भी एक बता दूँ मैं। फास्टिंग में यानी कि ज़्यादा शुगर हो जाती है, किसी को रात में ज़्यादा शुगर होती है, तो डॉक्टर उसी हिसाब से आपको जो है ना एक चार्ट बना कर देता है, उस पर आप लिख रहे होते हैं कि दोपहर में मेरे इतनी है, खाने से पहले इतनी है, खाने के बाद इतनी है। मशीन तो लाजमी ख़रीद लें जो भी शुगर पेशेंट हैं, ये अंदाजे से ज़िंदगी ना गुजारें, प्लीज़ मैं बार बार कह रहा हूँ। अभी हम एक रेमेडी की तरफ चलें, जिनको भी शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा हो और अपने शुगर को कंट्रोल करने के लिए आपने अपने डॉक्टर की मेडिकेशन जारी रखनी है, उसमें रद्दोबदल अपनी मर्ज़ी से ना करें, डॉक्टर की मर्ज़ी से करें। और एक ये बूटी आती है गुले शोकरान, आप गुलजार भी हाथ लाई, ये देखिए आप बिल्कुल हल्की होती है, लाइट होती है, बिल्कुल हल्की सी है ये, हाँ, इसको कोई पीसने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे जितनी मिकदार आपको दी है आपने इतनी एक चम्मच के बराबर लेनी है, इसको ऐसे ऐसे करना है, साफ कर लें, क्योंकि हालांकि ये होती साफ ही है, आप इतनी एक चम्मच के बराबर जो है वो सुबह नाश्ते से पहले और रात खाने से पहले मुँह में डाल के ऊपर पानी पी लें, ठीक, आप देखें बहुत ईजी है इसका इस्तेमाल। हाँ जी, ब्रेक का टाइम है, वापस आने के बाद एक दफ़ा दोबारा बता देंगे। गुले शोकरान लिख लीजिएगा और पेन और कागज़ ज़रूर तैयार रखिएगा। ब्रेक से वापस आते हैं, फिर दोबारा से मैं आपको चीज़ें हम जो है आपको बताएंगे। छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, और यहाँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ पर डिस्कस हो रही है, वो है शुगर यानी कि डायबिटिक पेशेंट्स बहुत बढ़ते जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर और कुछ भी हल नहीं नज़र आ रहा, और जिसकी वजह से मेडिसिन भी महंगी से महंगी होती जा रही हैं, इंसुलिन भी महंगी से महंगी होती जा रही हैं, और इससे बचाव का तरीकाकार कुछ मिल नहीं रहा। तो हम कोशिश कर रहे हैं अपने तौर पर कि कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ हों जिससे ये कि आपके दवाई में कमी होना शुरू हो, आपकी शुगर लेवल कंट्रोल होना शुरू हो। मतलब ये नहीं है कि आप शुगर अपना इंसुलिन छोड़ दें, दवाइयां छोड़ दें, ऐसा ना कीजिएगा, वो चीज़ें आपने जारी रखनी है। उसके अलावा सपोर्ट के लिए जो चीज़ आपको बताई जा रही है
वो बहुत गौर से सुन लें, और एक ही चीज़ है, सिंगल रेमेडी है, सिंगल लेकिन बहुत अच्छी है वो। तो जी बिल्कुल गुलजार भाई, बिल्कुल एक सिंगल चीज़ है ये। आप इसके इस्तेमाल से ये है कि आपका मुंह का खुश्क होना, हाथ पांव का जलना और शुगर का अनबैलेंस होना, ये इंशाल्लाह ताला शुगर को कंट्रोल करेगी और मुंह के खुश्क होने को ख़त्म करेगी, हाथ पांव की जलन को दूर करेगी। ये गुले शोकरान है, इसके बीज मिलते हैं तुख में शोकरान के नाम से, जो कि रेड कलर के होते हैं। ये पहाड़ी सिलसिलों में पाया जाता है, जैसे बलूचिस्तान के या चाइना बॉर्डर के जो पहाड़ी सिलसिले हैं, कश्मीर के पहाड़ी सिलसिले, एबटाबाद इन साइडों के हैं, या सवात के पहाड़ी सिलसिले, ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा पाया जाता है ये। और ये हल्की होती है, बहुत ज़्यादा लाइट होती है। हाँ बिल्कुल। और इसका सिर्फ बहुत आसान तरीका है, आपने गुले शोकरान एक चम्मच के बराबर लिया, इसे थोड़ा सा रब किया और फिर इसे मुंह में डाल के ऊपर पानी पी लें आप दिन में दो मरतबा, सुबह नाश्ते से पहले, रात खाने से पहले, और ये कंटिन्यू इस्तेमाल करें, दो चार महीने यूज़ कर लें, इसका नुकसान कोई भी नहीं है। और अपने डॉक्टर की दवाएं जारी रखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपकी बहुत सारी दुआएं हमारे साथ होंगी। इसके बाद टेस्ट भी करते रहें जी, बिल्कुल ये मेडिसिन इस्तेमाल करते रहें और टेस्ट भी करते रहें। हमारे पास कॉलर हैं आज़म फ्रॉम इस्लामाबाद, आदम इस्लामाबाद से, अस्सलाम वालेकुम। जी मैं बात कैंसर बात कर रहा हूँ जी। तो पूछना ये था सर से कि मेरे पट्टे सुकड़ गए हैं, पट्टे जिस्म के। अच्छा। ये बात समझ आ रही है मेरी आपको? हमारे भी सही नहीं बोल पाया, बाल बैठ जाती है ठीक, और चल नहीं सकता, टांगे बहुत कमजोर हो गई है और बालू के जोर से उठ सकता हूँ बैठ सकता हूँ। आपका तो, आपकी उम्र कितनी है? 56 सर। 56 जी सर। ठीक 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 है। आप कुछ पूछ जी, आपको शुगर या हाई ब्लड प्रेशर तो नहीं है, या कोई फैटी लिवर या कोई ऐसी कोई टेस्ट वगैरह करवाए हैं आपने? शुगर या हाई ब्लड प्रेशर तो नहीं है? नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा ठीक है ठीक है, चलें आप टीवी की तरफ चलें, बताते हैं आपको। देखें गुलजार भाई, इनको चाहिए पहले तो अपना प्रॉपर किसी अच्छे मॉलेज से जाके अपना चेकअप करवाएं कि एकदम इनके पट्टे क्यों सुकड़ते जा रहे हैं, क्यों खत्म होते जा रहे हैं, इसके कई रीजंस होते हैं ठीक है। तो अगर रीजंस पता होते तो हम आपको उसकी दवा बता भी सकते थे, कोई जड़ी बूटी बताते, लेकिन बेहतर होगा कि ये अगर मुझे कॉल कर लेंगे, मैं इनसे डिटेल में बात कर लूँगा और इंशाल्लाह ताला ये मुझे नमाज पढ़ेंगे, दुआएं देंगे, मैं इनको उनकी बात समझ के मैं इनको कोई चीज़ बता दूँ। वैसे और जिन लोगों को भी पट्ठों में कमजोरी हो रही हो, मजबूत करने के लिए, पट्ठों में कमजोरी हो रही हो, पट्ठे बहुत ज़्यादा वीक हो रही हो, तो एक बूटी आती है अजगन नागोरी आप ले लें 50 ग्राम, उसको बारीक पाउडर बना लें, आधी चम्मच सुबह आधी चम्मच शाम, एक कप दूध या पानी के साथ, और ये कंटिन्यू कुछ अरसा यूज़ कर लें आप, तो इंशाल्लाह ये पट्ठों को ताकत भी देगी, क्योंकि इसमें विटामिन B12 और B6 बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अच्छा। जो पट्ठों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो अजगन नागोरी का इस्तेमाल करें सुबह शाम, ये एक महीना यूज़ कर लें, आपको पता चल जाएगा ठीक है। इसको हम दोबारा दोहरा देते हैं, जिन लोगों को शुगर की वजह से कमज़ोरी हो रही होती है, कमज़ोरी हर किस्म की हो सकती है, दिमागी, आसाबी, पट्ठों की कमज़ोरी, जिंसी कमज़ोरी, और हाथ पांव का सुन होना, जैसे चप्पल निकल जाती है पता नहीं चलता, और बेरगबती होती है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, सुस्ती काहली रहती है, कहीं जाने को दिल नहीं करता, तो अपनी शुगर की वजह से जो कमज़ोरी हो रही है उसको दूर करने के लिए आपने सिर्फ दो जड़ी बूटियाँ लेनी है, ये है बहमन सफ़ेद ठीक है, और ये है चिड़िया कंद बूटी। ये तमाम पंसार स्टोर्स पे मिल जाती है, चिड़िया कंद बूटी और बहमन सफ़ेद, ये दोनों आप ले लें 50-50 ग्राम ठीक है। और ये थी चिड़िया कंद बूटी, ये है बहमन सफ़ेद ठीक, ये दोनों हमने 50-50 ग्राम लेके मिक्स कर लिया, आपकी चीज़ तैयार हो गई। और एक छोटी चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते के बाद और छोटी चाय वाली चम्मच रात खाने के बाद, एक कप दूध या पानी के साथ, और ये कंटिन्यू आप एक दो महीना तीन महीना यूज़ कर लें, फ़ायदा आपको पहले 5 दिनों में हो जाएगा, आपका हाथ पांव का सुन होना, सुस्ती काहली, ये सब चीज़ें दूर होंगी, आप एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे, और ये पट्ठों वाले जिनको कमज़ोरी वगैरह रहती है, हड्डियों में दर्द रहता है, ये वो भी ठीक कर देगी। हमारे पास कॉलर हैं लाहौर से फरजीन जी, अस्सलाम वालेकुम। आए कॉल ड्रॉप हो गई है, कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई कर लीजिए। तो गुलजार भाई दो चीज़ें हमने डाली हैं, एक चिड़िया कंद बूटी और एक हमने डाली बहमन सफ़ेद, ये दोनों चीज़ें 50-50 ग्राम मिला के पाउडर बनाया, एक चाय वाली चम्मच छोटी सुबह नाश्ते के बाद, एक छोटी चाय वाली चम्मच रात खाने के बाद, पानी या दूध के साथ ले लें और ये कंटिन्यू इस्तेमाल करना है कुछ अर्सा। और ये जो गुले शोकरान है ये, इसे एक चम्मच सुबह निहार मुँह नाश्ते से पहले
और रात खाने से पहले मुंह में डाल के ऊपर पानी पी लें। ये खाने से पहले लेनी है, ये खाने के बाद लेनी है, तो ये दोनों प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगी, जैसे शुगर भी कंट्रोल हो जाएगी और उसकी कमजोरी भी दूर हो जाएगी। अच्छा, ये जो चीज़ें बताई गई हैं ये पंसारी की दुकान से जाकर एक तो पाउडर फॉर्म में बना बनाया ना लें, मैं मशवरा हमेशा देता हूँ। जी आपने हमेशा लेना है इसको साबुत लेके, उसके बाद उसका पाउडर बनाना है ताकि असली चीज़ आपको मिल सके। हमारे पास कॉल है जायदा साहिवाल से। सलाम अलैकुम जायदा। अस्सलाम अलैकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नतीजा? जी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, कैसी हैं? खैरियत से? अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाबियां दे। आमीन 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 आमीन। जी जी, मेरा मुझे तकलीफ है, एक इंजेक्शन लगा था तो वहाँ ना काट फिर उन्होंने लगा के जख्म काट दिया है। अच्छा ठीक है, तो उसके लिए क्या करूँ मैं? एक ये मसला है, एक मेरे हाथ पांव भी तोड़ दो जाते हैं, ताकत नहीं, पट्टों में कमजोरी रहती है। अच्छा, आपको जहाँ इंजेक्शन लगाया तो वहाँ जख्म हो गया है? जी जी ठीक है, वो जख्म सही नहीं हो रहा? जी। आपको बहुत पुरानी है? अच्छा, आपको शुगर या वो तो नहीं है? ब्लड प्रेशर वगैरह नहीं है। ठीक है, तो लेकिन वो जख्म जो है इंजेक्शन लगने के बाद से अभी तक जख्म वैसे ही है? ठीक है जी, वो उन्होंने लगा दिया था, वो अब बहुत दर्द बहुत होती, तकलीफ बहुत है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और तो एक खांसी बहुत पुरानी है, खांसी कभी कम हो जाती कभी ज्यादा, खत्म नहीं होती, 3-4 साल हो गए। चले, पट्टों की भी कमजोरी है। जी जी बिल्कुल, मैं ठीक है, आप टीवी की तरफ चले, हम बता रहे हैं। इनके जख्म को तो अभी समझ में नहीं आया कि उसकी क्या कंडीशन है इस वक्त। ठीक है, बेहतर होगा कि किसी अच्छे स्किन के डॉक्टर को आप दिखा दें, तो इंशाल्लाह ये मसला आपका हल हो जाएगा। अदरवाइज एक बूटी आती है सुम्बलू के नाम से, वो वेरिगोन्स वेंस के लिए भी बेहतर है और हर किस्म के जख्म को भी ख़त्म करती है। लेकिन मैं आपको मेरी बहन ये मशवरा दूंगा कि आप अपने स्किन के किसी अच्छे डॉक्टर को ज़रूर दिखा दें एक बार। तो और दूसरा, जो इनको खांसी बहुत पुरानी है, ये आजकल सीजनल भी चला हुआ है कि बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, तो काली किशमिश ले लें। काली किशमिश ड्राई फ्रूट वालों से मिलेगी, उसके 10 दाने 1.25 कप पानी में डालें, जोश दे दें, कहवा बन जाएगा। 1 कप सुबह 1 कप शाम पिएं, आप देखना फ़ायदा पहले ही दिन होगा। 4-5 दिन यूज़ कर लें, इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये जो हर किस्म की खांसी, जो पुरानी खांसी होती है, पट्ठों का तो अभी हमने बता भी दिया। जी, पट्ठों के लिए मैंने बताया ये बहमन सफ़ेद और चिड़िया कंद बूटी, ये दोनों मिला लें, 50-50 ग्राम मिला के पाउडर बनाएं ऐसे, और इसकी 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने के बाद, सादा पानी से या 1 कप दूध से इस्तेमाल करें और ये कुछ अर्सा यूज कर लें, इंशाल्लाह पट्ठों में से दर्द खत्म होगा, हड्डियां भी मजबूत होंगी और एक्टिव भी हो जाएंगे। सही, बिल्कुल। तो दोनों सूरतों में ये काम बिल्कुल बिल्कुल। और जो जख्म ज्यादा टाइम तक सही ना हो और शुगर भी नहीं है और ब्लड प्रेशर भी नहीं है, फिर भी वो जख्म सही नहीं हो रहा, तो उसको हम नासूर कहते हैं, यानी कि वो ना ख़त्म होने वाली बीमारी होती है। तो उसके लिए आपने बिल्कुल अंदाजे से ज़िंदगी नहीं गुजारनी है, या उसके साथ साथ उसको अपना साथी ना बना लें, डॉक्टर के पास जरूर जाएं, इसलिए कि अभी तो वो जख्म छोटा है ना। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं जाकर वो बड़ा हो जिस्म में ना फैल जाए। हाँ, पूरे जिस्म में उसका जो जरासीम है वो फैल गए तो फिर बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। तो प्लीज़, बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं जो गाँव में या ऐसी जगहों पर रहते हैं, बहुत सारी ख्वातीन ऐसी होती हैं मेरे पास जो कॉल आती है कि उन्होंने हस्बैंड को बोला तो वो लेके ही नहीं जा रहा, यानी कि बच्चे नहीं लेकर जा रहे उसको हॉस्पिटल, तो इस तरह के बड़े मसले मसाइल हैं। तो प्लीज़, मैं चाहूँगा आपकी बराबर की साथी होती है आपकी बीवी जो होती है, तो प्लीज़ उसका साथ दें। आपकी सारी ज़िंदगी आपको खाना बना के खिला रही है, आपके साथ दे रही है, और एक छोटा सा डॉक्टर के पास ले जाने के लिए आप जो है ना नहीं मान रहे हैं। मेरे पास इस तरह की कॉल्स आती हैं, तो बच्चे भी नहीं परवाह करते हैं, माँ की परवाह नहीं करेंगे आप तो फिर ज़िंदगी में तरक्की कैसे करेंगे, ये मेरे समझ में नहीं आई। और वो जो उनसे पूछें जिनके पास नहीं है, जिनके पास नहीं है, ठीक है। तो अच्छा गुलजार भाई, एक चीज़ बताऊँ, डायबिटीज़ की वजह से ना बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं। हाँ बिल्कुल, एक ये चीज़। दूसरा, आजकल जो ड्राई वेदर चल रहा है इसकी वजह से भी बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे होते हैं। आपने सिर्फ 2 चीज़ें लेनी है, एक लेना है आपने मेहंदी के बीजों का तेल 1/2 पाव ले लें और तिल का तेल 1/2 पाव, इन दोनों को मिला लें और इसमें 1 चम्मच मेथी दाना डाल लें और 1 इंच का टुकड़ा बालछड़ का डाल लें और 1 घंटा धूप में रख लें। ठीक है, आप वो तेल अपने बालों पे लगाएं, आपका तेल 1 घंटे में तैयार हो गया। वो सिर्फ बालों की जड़ों में लगाएं, 2 घंटे के बाद धो लें या रात को लगा लें, सुबह धो लें। ये तमाम लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं जिनके बाल गिर रहे हैं, और डायबिटिक पेशेंट भी इसे इस्तेमाल करें क्योंकि उसके भी बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, शुगर की वजह से भी बाल गिरते हैं। तो सिर्फ 2 चीज़ें, एक लेना मेहंदी के बीजों का तेल 1/2 पाव, तिल का तेल 1/2 पाव, मेथी दाना 1 चाय वाला चम्मच और बालछड़ 1 इंच का टुकड़ा,
इनको मिला लें, एक घंटा धूप में रख लें, आपकी आपका ऑयल तैयार हो गया, और ये तेल आप अपने बालों पे लगाएं। ज़्यादा देर तक वैसे ज़्यादा बास लोग लेज़ी होते हैं, रात को लगा लिया, दिन भी ख़त्म हो गया, शाम हो गई, नहा नहीं रहे, वो क्या होता है कि उसकी वजह से ना, मैं मशवरा देता हूँ हमेशा कि 2-3 घंटे से ज़्यादा ना लगाएं, प्लीज़। हाँ, 2 घंटे बाद धो लें या रात को। जो बाल की जड़ें होती हैं, बाल की जो जड़ें होती हैं ना, उसके पोर्स बंद हो जाते हैं, जहाँ से ऑक्सीजन बाल लेता है, ठीक है, तो प्लीज़ 2-3 घंटे बाद वॉश कर लिया करें प्लीज़। पूरे पूरे दिन और पूरी पूरी रात, यानी कि 2 दिन तक भी लगा कर रखते हैं लोग अक्सर, लोग तो एक एक हफ्ता लगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर आप आए और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस हुई है। उम्मीद है अगर कोई चीज़ मिस हो गई हो तो आज रात 1 बजे और कल सुबह 10 बजे हमारा प्रोग्राम रिपीट होगा, तो उसमें भी आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये ज़रूर आप करेंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनने जा रही है, और हम बना रहे हैं आपके लिए ज़बरदस्त सी फिश का सालन, यानी कि मछली का सालन। इसके लिए हमने जो मछली ली है, सबसे पहले तो मछली की कौन सी होनी चाहिए, मुझे जो है वैसे अपने तौर पर रोहू जो है पसंद है, मीठे पानी की, आराम से मार्केट के अंदर मिल जाती है। आजकल इसकी कीमत जो है ना 350 से 400 रुपये पर केजी है, थोड़ी सी बहस करके आप ले लें। वैसे आप दुकानदार के पास जाएंगे तो वो आपको 500 रुपये पर केजी बताएगा, लेकिन ये कि आपने उससे बार्गेनिंग करनी है तो उसको 400-350 में भी बहुत सारे लोग दे देते हैं, 400 में भी दे देते हैं, लेकिन ताज़ा होना ज़रूरी है, ताज़ा हो। ये देखें कितने अच्छे पीसेस इसके बने हुए जो रोहू के। अच्छा, रोहू की पहचान ये है कि ये ऊपर से थोड़ी सी काली होती है, ये देखें, ठीक है, इसका मुँह बड़ा होता है, और अगर मुँह छोटा है और आपको जो फिश वाला है वो कह रहा है कि ये रोहू है तो ना लीजिए, इसलिए कि वो जो रोहू के नाम पर दूसरी मछलियाँ सेल करते हैं, कतला है और भी बहुत सारे नाम हैं, तो उसमें कांटे बहुत होते हैं, तो रोहू में कांटे सिंगल कांटा होता है, और ये जो है हर बच्चा बड़ा जो है ना खा सकता है, लेकिन इसकी जो इसका जो मुँह होता है वो बड़ा होता है, साइज़ में बॉडी के हिसाब से बड़ा साइज़ होता है मुँह का, और इसके ऊपर बड़े बड़े काले काले जो वो पट्टियाँ इसके ऊपर जो छिलका होता है ना, वो इतने मोटे मोटे से छिलके होते हैं, और इसका ऊपर का हिस्सा काला होता है, ठीक है, ये पहचान है इसकी रोहू की, जो मीठे पानी का रोहू होता है, ठीक है, तो ये आपने लेना है। दूसरा ये कि आइज़ इसकी चमकदार होनी चाहिए, आँखें चमकदार होनी चाहिए। दूसरा ये कि इसके स्किन पर अगर आप जैसे स्किन पकड़ के ऐसे करके उंगली से दबाएँगे ना, इसको छोड़ेंगे तो ये वापस गोश आ जाना चाहिए, ठीक है, ये देखें दबाया और उसको छोड़ा तो वापस आ गया गोश्त, दबा रह गया तो समझ लें कि ये पुराना है, ठीक है। दूसरा ये कि इसका गलफड़ा जो होता है ना कान गल वो भी रेड होना चाहिए या ब्राउन होना चाहिए। हमारे पास कॉलर हैं, शाजिया हैं कोयटा से। सलाम अलैकुम शाजिया। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैर खैरियत है। आप सुना खैर खैरियत जी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, बहुत शुक्रिया, बहुत शौक से देखते हैं, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा खाना पकाना आप अच्छे तरीके से सिखाते हैं, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। और कुछ ऐसा पहले नजीर साहब आपके प्रोग्राम में आए थे, उन्होंने मोटापे के बारे में कहा था, उसमें अजवाइन के पत्तों का कहा था। हाँ 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 कहा था, बिल्कुल कहा था, वो अजवाइन के पत्ते हमें यहाँ पे कोयटा में तो बिल्कुल नहीं मिल रहे, लाहौर से भी पता करवाया, कराची से, ठीक, उन्होंने हमें यही कहा कि अजवाइन के पत्ते नहीं मिलते। आप ऐसी एक काम कीजिएगा, उस पंसारी की दुकान से देसी अजवाइन, उसकी जगह पर देसी अजवाइन ले लीजिएगा, ठीक है ना, पत्तों की जगह पर, ठीक है, अगर आपको नहीं मिलते कहाँ पर है? हाँ सॉरी, पत्ते मिलते कहाँ? पत्ते तो मिल जाते हैं यहाँ कराची में, बहुत सारे पंसारी की दुकानों पर मिल जाते हैं, लेकिन जरा मुश्किल से मिलता है, ज़रा मुश्किल से मिलता है, ठीक है, तो आप परेशान ना हो, बिल्कुल परेशान ना हो, आप पंसारी की दुकान में कोयटा में जाकर आप उनसे कहें कि हमें जो है ना आप देसी अजवाइन दे दें, उसकी जगह पे वो इस्तेमाल कर लें, ठीक है। चलो सही है, शुक्रिया आपका, वेलकम, बहुत शुक्रिया आपका, ठीक है जी। और यहाँ हमारे पास
प्याज हमने इसमें ऐड कर दिया, थोड़ा सा ब्राउन करेंगे प्याज को, लच्छेदार प्याज है। चलें जी, जब तक ये ब्राउन हो रही है, और अब आ जाते हैं मछली का। मैंने आपको तरीकाकार बता दिया, गलफड़ा चेक करते हैं, यूं करके उठाते हैं तो अंदर रेडिश सा होना चाहिए या थोड़ा सा लाइट ब्राउन सा होना चाहिए। अगर ये डार्क हो गया, डार्क ब्राउन हो गया तो समझ लिए पुराना है, ठीक है। एक तो ये, और तीन तरीके मैंने आपको बता दिए। आइज़ इसकी चमकदार होनी चाहिए और इसके बाद झिल्ली नहीं होनी चाहिए। झिल्ली हो गई तो समझ लें कि ये पुराना है, और झिल्ली नहीं है, आइज़ बिल्कुल चमकदार है तो बेहतरीन है। तो रोहू का मसला यही है कि आजकल हमारे हर फिश वाला पापलेट को पापलेट की जगह पर बहुत सारे हम उसको फौजी मछली कहते हैं, जिसके ऊपर डॉट डॉट सा पड़ा होता है, ठीक है। उसको हम जो है ना फौजी मछली को जो है ना, उसका इसलिए फौजी कहते हैं कि उसके ऊपर बिल्कुल डॉट डॉट से पड़े होते हैं, फौजी के कपड़े की तरह के होता है वो, लेकिन उसको पापलेट करके भेज देते हैं, कोई और मछली को सुरमई बनाकर भेज देते हैं, और अल्लाह रहम करे। बस वैसे हमारे यहाँ अल्लाह बस वाकई जो पोजीशन है ना बहुत ही बुरी है, बहुत तकलीफ़ होती है मुझे इस बात की कि इंसान इस हद तक चला जाता है कि बिल्कुल गलत चीज़ जो है ना वो आजकल बहुत सारे लोग, ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैं इसलिए नहीं दे रहा कि मुझे कोई उनसे तकलीफ़ है, मुझे सिर्फ ये तकलीफ़ है कि हमारे पाकिस्तानी, हमारे हम वतन लोग, हमारे भाई बहन जो है ना खाना खाकर बीमार हो जाते हैं, इसलिए कि आजकल मछली में केमिकल भी लगा कर रखा जाता है ताकि जल्दी ख़राब ना हो। तो खुदा रा माफ़ कर दें, थोड़े से पैसों के लिए अपना ईमान तो ना बेचना। तो हमारे पास कॉलर हैं, और मिसेज अरशद फ्रॉम इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, गुलजार भाई कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, आपका शो बहुत अच्छा है, बहुत शौक से मैं देखती हूँ, सारे काम छोड़ के। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस्लामाबाद आया था तो मुझे बहुत सारे लोग मिले, और उन्होंने जब आप वापस चले गए तो पता चला टीवी पे देखा कि मैं इस्लामाबाद आया था और चला गया। ठीक इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, जरूर आऊंगा, ठीक है इंशाल्लाह जी। सर मैंने आपसे पूछना था कि मेरा पहले वेट ठीक था, ठीक है 5.8 मेरी हाइट है, उसके मुताबिक मेरा जो है 70 वेट था, परफेक्ट बिल्कुल। 5.8 पे 75 बिल्कुल परफेक्ट वेट है, बिल्कुल जी। लेकिन अब वेट बढ़ता जा रहा है, कहाँ से? पेट से। अच्छा, पेट से वेट बढ़ता जा रहा है, और पीछे गर्दन के पीछे वाली जगह जो होती है वहाँ से बढ़ता जा रहा है, कोलेज होता है, ठीक है ठीक है, वहाँ से। तो मोटापे का कोई हाल बताएं सर जी, जी। मेरा बेटा भी है 9 साल का, ओवरऑल वो ठीक है, लेकिन उसका भी पेट जो है ना बाहर निकला हुआ है, ठीक है ठीक, मोटापा हुआ है, ठीक। तो ये प्लीज आप मैं, और प्लीज मैं आप अपना पर्सनल नंबर दे। अच्छा, आप होल्ड पर रहिएगा, नंबर ले लीजिएगा, मैं एक ही रेमेडी बताऊंगा, दोनों के काम आ जाएगी, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। चले जब तक ये टीवी की तरफ चलते हैं तो उसके बाद फिर हम बताते हैं, ठीक है। प्याज हमारी थोड़ी सी ब्राउन हो गई, लाइट ब्राउन, हमने बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करनी है, ठीक है। और इसके अंदर जो है ना हमने मसाला ऐड करना है, और उसके बाद जो है ना बाकी चीज़ें ऐड करनी है। प्याज के साथ हमने शामिल कर देना है अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है, ये तकरीबन 1 खाने का चम्मच ये हमने इसको डाला। डालने के बाद गौर से देख लें मछली का सालन कैसे बनता है, बहुत सारे लोगों को नहीं भी आता है। जब ये आपने प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया तो अब आप इसमें फिश शामिल कर दें, ठीक है। ये देखें इस तरह से हमने फिश इसमें डाल दी। मछली का सालन जब बनना शुरू हो जाए ना तो उसके बाद इस पर जो है ना चमचा नहीं चलाया जाता, ठीक है। इस मछली के पूरे प्लेट को ना साथ मिक्स किया जाता, अभी तो आप चला सकते हैं इसलिए कि अभी अभी आपने डाला है, ठीक है। और अभी मैं इसमें लगा दूँगा ढकना, इससे क्या होगा कि ये जो इसके अंदर फिश के अंदर महक है तो प्याज और अदरक लहसुन के जो टेस्ट है ना उसकी वजह से ये जो है ना इसकी महक दूर हो जाएगी। उसमें दही और फिर मसाले शामिल करेंगे, और मेरे पास जो अभी कॉलर थी उनके बारे में भी मैं वापस आने के बाद ब्रेक से बताऊंगा कि कैसे आपने करना है, और इसमें मैं क्या क्या चीज़ें और डाल दी हैं मैंने, वो मैं ब्रेक से वापस आने के बाद बताऊँगा। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। मछली का सालन
अज्जा, मछली 400 ग्राम, लहसुन चॉप 3-4 जवे, प्याज एक अदद, दही एक पाव, कड़ी पाउडर एक चाय का चम्मच, सफेद सिरका एक खाने का चम्मच, काली मिर्च कुटी हुई आधा चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच, धनिया पाउडर आधा चाय का चम्मच, हरी मिर्चें 3-4 अदद, लीमू का रस 2 खाने के चमचे, हरा धनिया आधी कटी, तेल 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। तरकीब, मछली को नमक लगाकर फ्राई कर लें और एक तरफ रख दें। पैन में तेल गरम करके लहसुन और प्याज फ्राई कर लें। अब इसमें दही और तमाम मसाले शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स करके भून लें। मसाला भून जाए तो इसमें लीमू का रस शामिल करके मिक्स कर लें। पहले से फ्राई की हुई मछली के पीसेस डालें और हल्के हाथ से मिक्स कर लें। डिश आउट करके हरा धनिया से गार्निशिंग कर लें और सर्व करें। वेलकम बैक नाज़रीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बन रही है और मुझे पसंद है और आपको भी पसंद आएगी। वो है फ़िश का सालन, और वो भी रोहू मछली जो है उसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया। अब आप मार्केट जाएं और जब परचेज़ करें तो मुझे उम्मीद है कि आपको सही चीज़ मिल जाएगी। दो तीन चीज़ें जो मछली की पहचान है, बहुत सारे लोगों को आजकल रोहू नाम के ऊपर जो है ना बहुत सारी चीज़ें सेल कर दी जाती हैं और इतने कांटे होते हैं कि उसको खाया भी नहीं जा सकता। तो प्लीज़ देख समझ के लें और जो चीज़ें बताई जाएं उसको गौर से सुन लें, ठीक है जी। यहाँ पर हमने मछली के सालन में जो बाकी चीज़ें मैंने ऐड की हैं, और इसमें मैंने जो है दही डाल दिया 1 कप। पहले तो हमने प्याज, लहसुन, अदरक में अपना फ़िश, कच्ची फ़िश डाला, उसको हल्का सा भून लिया। साथ में इसमें जो है हमने 1 कप दही, और उसके अंदर हमने शामिल किया ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला। गरम मसाले के अंदर 3 चीज़ें ऐड की हुई हैं, वो है जो मछली में डाली जाती हैं, उसमें अपना क्या कहते हैं मेथी दाना है, और अजवाइन है, और राई दाना है। ये इस गरम मसाले की खासियत है जो मछली के अंदर डाला जाता है, इसलिए कि इस मसालों से मछली का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। मेथी दाना, राई दाना और अजवाइन, इसको भी गरम मसाले के साथ पीस लें। और इसके साथ लाल मिर्च पाउडर, हल्दी लाजमी डालनी है, और इसके साथ नमक, और इसके मछली के कांटे को हमारे गले में ना फंसे इसके लिए लेमन बहुत ज़रूरी है। नींबू अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको कांटा जो है ना वो सॉफ्ट हो जाता है और आपको तकलीफ़ नहीं देता। या आप मछली खाने के बाद नींबू का कोई ड्रिंक बनाकर पी लें, तो उससे अगर कोई कांटा वगैरह आपके मेदे में चला भी गया है या गले में रुक गया है तो वो जो है ना हल हो जाएगा, वो आपको परेशान नहीं करेगा। तो ये अच्छा, दूसरा ये कि मछली के सालन में आपको चमचा नहीं चलाना, जब ये पकना शुरू हो जाए इसको पकड़ें, इस तरह से हिलाएं, ठीक है। ये देखें ऐसे, ये है इसकी टेक्निक, वरना टूट जाएगा सारे मछली का, आपको मेहनत ज़ाया हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से आपने हिलाना है, और नींबू का रस 2 खाने के चम्मच, और हरी मिर्चें ऊपर से गार्निशिंग में डाल दी। अब इसका ढकना लगा दिया, पकने के लिए हमने छोड़ दिया। अब ये मछली आराम आराम से पक रही होगी। यहाँ मेरे पास जो है रूह अफ़ज़ा से बहुत ही ज़बरदस्त एक रेसिपी हम बना रहे हैं, मीठा रूह अफ़ज़ा के साथ। तो दूध हमने पकने के लिए छोड़ दिया, इसके अंदर हमने कोई चीनी वगैरह नहीं डाली है, ठीक है। और इसमें मैं शामिल करूँगा कस्टर्ड, ठीक है। हमारे पास कस्टर्ड, कोई भी कस्टर्ड ले लें, नॉर्मल। मेरे पास स्ट्रॉबेरी थी तो मैंने वो डाल दिया इसके अंदर, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके ही डाल दिया आपने, और इसे गाढ़ा कर लिया, ठीक है। और इसके बाद सेब, मैंने तकरीबन 4 सेब लिए, और इसको हमने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। कद्दूकश किया हुआ है सेब को हमने, बहुत अच्छा हलवा टाइप की चीज़ बनेगी ये। कस्टर्ड के साथ सेब का जो कॉम्बिनेशन है ना, बहुत ही आला है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे इसमें चीनी वगैरह हमने ऐड नहीं किया, चीनी के बजाय हम इसमें जो है
शहद थोड़ा ऐड करेंगे इसमें, और 100% नेचुरल शहद जो अब आपको आसानी से मार्केट में दस्तियाब है, हमदर्द का देख कर लीजिएगा अगर आपको घर में बच्चों के लिए, इसलिए कि इस मौसम में मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि छोटे बच्चे बड़े सबको एक दिन छोड़कर एक दिन थोड़ा शहद इस्तेमाल करना चाहिए, वो भी सुबह के टाइम पर, अर्ली मॉर्निंग सुबह के टाइम नाश्ते से पहले अगर थोड़ा सा शहद आप इस्तेमाल करते हैं तो आप अचानक होने वाली जो बीमारियाँ होती हैं, हार्ट अटैक अचानक या कोई और बहुत सारी बीमारियाँ जो अचानक अचानक हो जाती हैं, उनसे आप बच सकते हैं शहद का अगर आपने इस्तेमाल किया। बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, बच्चों को जो है ना जो वायरस बीमारियाँ फैल रही होती हैं जैसे कि बुखार नज़ला इस टाइप की चीज़ें बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी लग रही होती हैं, अगर बच्चों को आप शहद खिलाते हैं तो उनको वो बीमारियाँ नहीं लगती हैं। आपने ये भी सुना होगा जब बच्चा पैदा होता है तो शुरू में सबसे पहले उंगली पे शहद लगाकर चटाया जाता है बच्चे को, तो उससे हमारे जिस्म के अंदर जो टॉक्सिन होते हैं, जो जरासीम होते हैं, वो भी निकल जाते हैं। ठीक है, हमारे पास कॉलर हैं आपदा फ्रॉम कराची। सलाम अलैकुम आपदा जी। मैं बस बोल रही हूँ कि मेरे शुगर है, शुगर है आपको जी, इनकी आवाज जरा बढ़ा दें। हेलो, एक काम कीजिए आप, दा रुक जाइए, आप होल्ड पर रहिएगा, आपसे पूछ लेंगे और मुझे बता देंगे, इसलिए कि आपकी आवाज जो है ना कट रही है बार बार। अच्छा, इसमें मैंने 4 टेबल स्पून शहद डाल दिया और इसको हमने मिक्स कर दिया नेचुरल शहद को, और अब मैं इसको एक प्लेट पर निकालूंगा और उसके बाद सालों की मीरास हमारी जो है ना वो है, आपको पता है रूह अफ़ज़ा। रूह अफ़ज़ा जो है उसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ, इसलिए कि मैंने इसमें, ठीक है, 5 साल से शुगर है और 4 साल से, और पेट बहुत बढ़ रहा है, सख्त भी हो रहा है। ठीक है, अच्छा, मैंने पहले भी एक खातून थी, उनका भी वज़न बढ़ रहा था, उनको भी मैंने बताना था, वो भी इत्तेफाक की बात है नहीं बता पाया, तो अभी मैं दोनों को इकट्ठे ही बता देता हूँ। ठीक है, ये मैंने इसको एक प्लेट में निकाल लिया, अब मैं इसमें शामिल करूँगा 100% नेचुरल रूह अफ़ज़ा, जो कुदरती फलों से और सब्जियों से तैयार किया जाता है, उनकी अरकियात से। ठीक है, और ये आपको वो फ्रेशनेस देता है जो इंसान को चाहिए होती है, गर्मी हो या सर्दी हो, हर मौसम में आपको जो है ना फ्रेशनेस मिल रही होती है रूह अफ़ज़ा की। ठीक है, इसको ड्रिंक के साथ साथ आप इसे मीठे भी तैयार कर सकते हैं, जैसे कि आज मैंने मीठा बनाया है। ठीक है, इसको हम हल्का सा इसके ऊपर इस तरह से गार्निश कर देंगे, इसीलिए मैंने इसमें चीनी नहीं डाली, ताकि हमें चीनी की ज़रूरत नहीं है, और इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाल लें और ये आपकी बहुत ही ज़बरदस्त। अच्छा, इसको फ्रिज में फुल अच्छी तरह से चिल्ड कर लें और ये तैयार हो जाएगा। अब दोनों ख़वातीन के लिए एक ही रेमेडी है, और बच्चे के लिए भी, जो खातून थी वो कह रही थी मेरा पेट बढ़ रहा है, बच्चे का भी हो रहा है, और अभी एक खातून जिनका शुगर की वजह से उनका भी हो रहा है, तो लिख लें, याद रख लें, भूलिएगा मत, इसलिए कि ये बार बार मिस नहीं करें इस चीज़ को। ठीक है, अर्के मैज़ल, एक बोतल आपने अर्के मैज़ल लेना है, एक बोतल अर्के अजवाइन लेना है, एक बोतल अर्के सौंफ लेना है, एक बोतल अर्के मको दाना लेना है। ठीक है, ये 4 चीज़ें लेनी है। फिर से बता दूं, एक बोतल आपने लिया अर्के मैज़ल, एक बोतल आपने लिया अर्के मको, एक बोतल आपने लिया अर्के अजवाइन, और एक बोतल आपने लिया अर्के सौंफ। इन 4 चीज़ों को मिला लें आपने, 4 बोतलों को मिलाने के बाद सुबह नाश्ते के बाद 1 घंटे के बाद 1 कप, और रात खाने के 1 घंटे के बाद 1 कप। अगर ज़्यादा अच्छा असर करना चाहते हैं, थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त कर सकते हैं, तो इसको आपने निहार मुँह ले लेना है, सुबह निहार मुँह 1 कप और रात खाने से 1 घंटे पहले ले लें, तो ये ज़्यादा अच्छा असर करेगा। लेकिन बच्चे वगैरह बड़े बहुत सारे लोग होते हैं कि निहार मुँह कोई चीज़ खाना पसंद नहीं करते हैं, तो दोनों ऑप्शन मैंने बता दिए हैं, खाने के 1 घंटे बाद या नाश्ते से 1 घंटे पहले।
नाश्ते से एक घंटे बाद या नाश्ते से एक घंटे पहले ले लें। पहले लेंगे ज़्यादा असर करेगा, बाद में लेंगे फिर भी असर करेगा, लेकिन सुबह निहार मुंह जो है लेते हैं तो उसका ज़्यादा असर होता है। और रात को भी इसी तरह से है, रात के खाने से एक घंटे पहले ले लें या खाने के एक घंटे बाद ले लें, तो इंशाल्लाह ये आपके जिस्म में से या मैदे में जो सूजन है उसको भी ख़त्म करेगा, वेट भी कम करेगा। लेकिन एक दो दिन में नहीं होगा, लगातार इसको आपने इस्तेमाल करना है। और जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनके लिए मशवरा ये है कि कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन आपने अपना शुगर को कंट्रोल करना है। भले उसके लिए आपको 2 मेडिसिन या 10 मेडिसिन खानी पड़ जाए, लेकिन शुगर को लेवल पर लेकर आना है, वरना ये प्रॉब्लम्स बढ़ती रहेंगी बढ़ती रहेंगी बढ़ती रहेंगी, कम नहीं होगी। ये सारे जितने शुगर पेशेंट हैं, जो डायबिटिक पेशेंट हैं, उन सब के लिए मशवरा है मेरा। बहुत प्रॉब्लम में आप आ जाएंगे अगर आपने जो है ना शुगर लेवल को कंट्रोल नहीं किया। किसी भी हालत में कंट्रोल करना है। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार एक मीठा मैंने बनाया है, जो कस्टर्ड सेब और रूह अफज़ा से बना है। सिंपल मीठा है। आजकल वैसे ही आपको बताएं मिठाई बहुत महंगी हो गई है। हेल्दी चीज़ आप अपने घर पे बनाते हैं। मैंने जैसे कहा कि सीज़न की जो चीज़ें हैं ना वो आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे सेब हमने इस्तेमाल किया, इसके अंदर कस्टर्ड इस्तेमाल किया, इसके अंदर हमने रूह अफज़ा इस्तेमाल किया, पुदीने से इसको गार्निश किया है। आप ड्राई फ्रूट से गार्निश कर सकते हैं या चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं, तो अच्छा खासा मीठा है। और यानी कि मिठाई की जगह पर आप इसको सर्व कर सकते हैं, सस्ते में बन जाएगा और दूसरा ये कि हेल्दी भी होगा, ठीक है ना। ये दोनों चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। अच्छा, इसमें हमने शुगर इस्तेमाल बिल्कुल नहीं की है, और हमदर्द के जो शहद है असली 100% प्योर नेचुरल शहद वो हमने थोड़ा डाला है, और रूह अफज़ा थोड़ा डाला है, तो ये वैसी मिठास इसकी कम्प्लीट हो गई है इसके अंदर। और दूसरी डिश हमने बनाई है फ़िश का सालन, जो मैंने आपको बताया था कि मछली का सालन कैसे बनता है, और ये आपके सामने ग्रेवी के साथ बना हुआ है। तो इसके लिए आप या रोटी या आप राइस या यानी कि नान वगैरह किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। तो मैंने थोड़ी ग्रेवी वाला सालन रखा है इसके अंदर, ताकि इसे आप 2-3 चीज़ों के साथ आप खाएं। रूह अपना मछली की क्या पहचान है ये भी मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है अगर आपने कोई चीज़ नोट नहीं की है तो आज का जो प्रोग्राम है आज रात 1 बजे रिपीट होगा, और कल सुबह 10 बजे रिपीट होगा। आज रात 1 बजे और कल सुबह 10 बजे रिपीट होगा। तो अगर कोई चीज़ आपसे मिस हो गई है तो ज़रूर देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आपके बहुत काम आने वाला है। इसलिए कि इसमें आज हमने शुगर के बारे में भी बताया, और शुगर से जो कमज़ोरी हो जाती है उसके बारे में भी रेमेडी बताई है। तो मिस मत कीजिएगा, ज़रूर देखिएगा प्रोग्राम, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड चेक आउट।